निवेदिता शुक्ला। रविवार को डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने जैसे ही राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, विपक्षी खेमे समेत एनडीए से भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। तीन हिंदी भाषी राज्यों पर कब्जा करने के बाद राहुल गांधी एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी नहीं मानते कि राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। स्वामी का कहना है कि राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों विपक्षी दल उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, स्वामी ने इस वजह को भी सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद ये मान चुके हैं कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं। अगर ऐसा है तो संविधान के हिसाब से राहुल पीएम बन ही नहीं सकते। आपको बता दें कि स्टालिन से पहले जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी राहुल के नाम पर सहमति जता चुके हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनकी पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन महागठबंधन में अभी इस पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीएम कैंडिडेट बनना चाहती हैं।